व्यूअर्स, हमारी अब तक की सब वीडियोस उन जानवरों या परिंदों पर थी जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जानवर बलोचिथेरिन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बलोचिथेरिन, जो आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पहले दुनिया में पाया जाता था, ये आज तक इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मैमल था। माहरीन को 1910 में इस जानवर की हड्डियां बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुकटी से मिली थी, जिसकी वजह से इसका नाम बलोचिथेरिन रख दिया गया, जिसका मतलब है बलोचिस्तान का देविया, बलोचिस्तान का हैवान। बलोचिथेरिन के मुकम्मल ढांचे की दरियाफत साल 2000 में उस वक्त हुई जब पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री इस्लामाबाद और फ्रांसीसी माहिरीन की जॉइंट टीम ने बलोचिथेरिन का मुकम्मल ढांचा दरियाफत किया, जिससे मालूम हुआ कि बलोचिथेरिन का ताल्लुक गेंडे की एक ऐसी नस्ल से था जो करोड़ों साल पहले दुनिया से खत्म हो चुकी है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस बड़ी जसामत वाले हैवान के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक। नंबर 1, बलोचिथेरिन का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता था, जिस कारण इन्हें डायनासोर से भी ज्यादा बड़ा मान लिया गया है। इनकी कंधों की जोड़ तकरीबन 18 फुट यानी 5.5 मीटर लंबे, जब इनकी शरीर की टोटल लेंथ तकरीबन 26 फुट यानी 8 मीटर होती थी। नंबर 2, बलोचिथेरिन पाकिस्तान के इलाके बलोचिस्तान के अलावा कजाकिस्तान और चीन समेत सेंट्रल एशिया में रहता था। इनका ठिकाना जंगलाती इलाके होते थे। नंबर 3, बलोचिथेरिन का जिस्म बहुत ऊंचा, बड़ा और लंबा होता था। इसकी टांगे बहुत मजबूत और गर्दन लंबी होती थी। इसका सर इसके जिस्म के मुकाबले में काफी छोटा था। आंखें छोटी थी और इनके चारों पांव पर 3-3 उंगलियां थी। नंबर 4, बलोचिथेरिन हरे पत्ते खाने वाला सब्जखोर जानवर था और अपने लंबे कद और गर्दन की वजह से दरख्तों के पत्ते खाता था, जहां तक दूसरे जानवर नहीं पहुंच सकते थे। ये रोज तकरीबन 1.5 से 2 टन खुराक खाता था। नंबर 5, बलोचिथेरिन तकरीबन 23 मिलियन साल पहले नापीद हो गया था। मुमकिना तौर पर मौसमियाती तब्दीलियां और इसकी खुराक में तब्दीली इसके खात्मे की वजह बने। नंबर 6, बलोचिथेरिन के पहले फॉसिल्स पाकिस्तान में 20वीं सदी में दरियाफत हुए थे और इसके बाद से अब तक सेंट्रल एशिया के कुछ मुल्कों में इसकी मजीद बहुत से फॉसिल्स मिले हैं। नंबर 7, बलोचिथेरिन का नाम पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के नाम पर रखा गया था, जहां सबसे पहले इसके फॉसिल्स मिले थे। इसका पिछला नाम इंडिकोथीरियम था, जो इसके बड़े साइज की वजह से रखा गया था। नंबर 8, बलोचिथेरिन बहुत शरीफ जानवर था और इतना बड़ा होने के बावजूद दूसरे जानवरों से डरता था और अकेले रहने के बजाय अपने कबीले के दूसरे जानवरों के झुंड में रहता था। नंबर 9, बलोचिथेरिन का औसत वजन तकरीबन 15 से 20 मन के बीच होता था, जो कि एक बहुत ही बड़ा वजन है। नंबर 10, बलोचिथेरिन का मुकम्मल ढांचा पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री गार्डन यूनियो शकर पड़िया इस्लामाबाद में बतौर नुमाइश महफूज है और आप जाकर इसे देख सकते हैं। बदकिस्मती से बहुत से दूसरे कीमती प्रजातियों की तरह बलोचिथेरिन भी करोड़ों साल पहले खत्म हो गया था। इसके खात्मे की सही वजह यकीनी तौर पर मामूली नहीं है, लेकिन इम्कान यही है कि आबो हवा में तब्दीलियां दूसरे प्रजातियों से खतरा और इनका शिकार बन जाने की कारण हम ये कीमती और अनोखा जानवर अपनी दुनिया में देखने से रह गए। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम माजी से सबक सीखकर ऐसी प्रजातियों की स्टडी करें, ताकि हमें पता चल सके कि ये और इस जैसे कुछ और जानवर इस दुनिया से खत्म कैसे हो गए और हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम बाकी मौजूद जानवर प्रजातियों को सेव कर सकें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर कल मिलते हैं एक नए जानवर या पंछी की हकायक के साथ।